टेम्परेचर का हम लोगों ने ग्राफ लोड किया हुआ समझ में शायद आ गया हो आप लोगों को एलिवेशन ऑफ बीपी सेकंड क्वालिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन चल रहा था बच्ची आपसे क्लियर है तो मैंने आपसे कहा कि जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है क्या ये टेक्निकली तुम्हारे दिमाग में बात जाती है कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है टेक्निकली और जो सोल्यूशन है जो सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है जिसमें एनवीएस गुलाब है उसका उसका वेपर प्रेशर घट गया यह भी टेक्निकली बात समझ में आती है आप लोगों को चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है अब मैंने आपको बताया जैसे किसी भी सॉल्यूशन का लिक्विड का सोलवेंट का जो भी कुछ हो वो वन एटीएम पहुंचते ही वो, वो उबल जाता है उसका वेपर प्रेशर जैसे वन एटीएम के बराबर होगा तुरंत वो उबल जाएगा यह बात भी दिमाग में क्लियर है आगे चलू अब मैं अब सोचो सोलवेंट ध्यान से सुनना सोलवेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलटल सॉल्यूट है डियर उसका वेपर प्रेशर क्या है कम है तो सोचो एक छोटी सी बात कि अगर इसको 1 एटीएम तक पहुंचाना है अगर इसको वन एटीएम तक लेकर जाना है तो इट नीडेड एक्स्ट्रा आपके पास और तरीका क्या लिक्विड तो बदल नहीं सकते वो तो फिक्स है और आपको पता है वेपर प्रेशर सिर्फ दो ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं मैं भूल गया कौन कौन से थे ना तो इट नीडेड एक्स्ट्रा हीटिंग इसको एक्स्ट्रा हीटिंग ही नीड है एक फैक्टर तो फिक्स ही हो गया ना बच्चे लिक्विड फिक्स कर दिया तो इसको जो एक्स्ट्रा हीटिंग है उसी का नाम तुमने क्या रखा वह एलिवेशन ऑफ बीपी आपको ना इसको लॉजिकली समझना है बाकी चॉइस आपकी है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली जाए कि कोई भी लिक्विड एनवीएस घुलते ही ज्यादा पे क्यों उबला कोई भी लिक्विड एनवीएस घुलते ही ज्यादा पे क्यों उबला सिंपल सोलवेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब दोनों को एक सेम टेम्परेचर पर लेकर आए तो तो ये भाई सब तो के पास पहुंच गए। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो ये देखो जब तुम्हारे पास टेम्परेचर ये फिक्स है इस पर तुमने सोल्यूशन की तरफ झांका जब तो उसका वेपर प्रेशर भी कम था लेकिन वो जो लिक्विड था ना प्योर वाला वो टच कर गया था वन ए को तो अगर इतना इतना वेपर प्रेशर और बढ़ा के इसको वन एटीएम तक करना है तो तरीका क्या है तुम्हारे पास ये अपने दिमाग से बोलो बस बात खत्म हो गई वो एक्स्ट्रा हीटिंग का नाम ही तुमने क्या कर दिया एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इतनी सी कहानी है और कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसी को तुमने क्या बोल दिया एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अच्छा जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट किससे करते हो डेल्टा टीबी सोल्यूशन माइनस सोलवेंट ये तुम्हारे पास और इसको लिखने का तरीका डेल्टा टीबी है अब मैं आगे बढ़ू अभी तीन चार मिनट तो हमने पुराने चीजों को कन्वेंस करने में लगा दिए चलो ना ये जो डेल्टा टीबी है अब सीधा हम फॉर्मूलों की बात करेंगे क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं करना चाहते क्लियर डेल्टा टीबी टू आई के बी एम और जो एम है वो किसको इंडिकेट कर रहा है सब बच्चे स्मार्ट है मोलैलिटी को आई किसको इंडिकेट कर रहा है वेंटो फैक्टर को और जो केबी है इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट जब मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट यह पर केजी फिक्स होता है अगर कभी भी इसको 100 ग्राम्स ऑफ द सोलवेंट पे लगा दो तो कुछ बुक्स इसके बारे में लिखती है इट इज नोन एज अ मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये शोर शराबा कौन मचा रहा है भाई ध्यान मत हटाओ क्लास से बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना नुकसान आप ही का है हर एंगल से जहां भी चेक कर लो तो जब हमें खुद भगवान ने चलकर इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है पांच चार महीने में डॉक्टर बनने के चांस बन रहे हैं तो हम क्यों लूज कर रहे हैं डेल्टा टीवी टू आई के बी एम आई कौन है वेंटोफ कोई बताएगा ग्लूकोज का आई कितना सुक्रोज का कितना यूरिया का कितना और केसीएल का कितना क्लियर अगर वो हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो तो आई का वैल्यू वहां टू हो जाएगा ठीक है बच्चे जब हंड्रेड परसेंट आयोनाइज हो तब क्योंकि वो बात भी मैं अभी करूंगा एबनॉर्मल मोलिकुलर रेट में ठीक है जी केबी के, के बारे में पता चल गया और थर्मोडाइनमिकली केबी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं एम आर टीबी होल स्क्वायर वन थाउजेंड डेल्टा एच ओ एम मोलिकुलर वेट हैोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट है बच्चे टीबी बॉइलिंग पॉइंट है किसका जिसके बारे में बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली सोलवेंट डेल्टा एच वी कौन है इट इज अट ऑफ वेपराइजेशन इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे चार तो लेटर्स हैं गिन चुन के बी, के डेल्टा टी आई और क्वेश्चन क्या बनेगा इस पर मोलैलिटी फिक्स होता है आई की वैल्यू कभी एक हो जाएगी कभी एक से कम ज्यादा हो जाएगी बाकी बचा डेल्टा टी टीबी वो आपके पास सोल्यूशन माइनस सोलवेंट है कभी कभी आपसे कैलकुलेट करा लेगा केबी तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसके चांस मुझे कम लगते हैं एम मोलिकुलर वेट है किसका सोलवेंट का केबी तो सोलवेंट के होता है ना बच्चे और जो तुम्हारे पास आर है वो गैस कांस्टेंट है टीबी स्क्वायर है ये जो सोलवेंट है उसका बीपी है वो भी कैलविन में पुट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में मत पुट कर देना हमारी केमिस्ट्री हो जाए फिजिक्स हो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट केस में कैल्विन ही पुट करना पड़ता है कैलकुलेशन के अंदर और वेपराइजेशन जो पुट करनी है आपने जूल पर मोल कई बार वो ना थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देगा क्वेश्चन के अंदर हो सकता आपने पहले कभी सुना हो नहीं सुना तो मेरे को सुन लो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है डेल्टा च लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये जूल पर ग्राम में होती है बच्चे अगर पेपर में उसने कह दिया लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज सो सो ग्राम तो आप ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे अगर रट्टा मारना चाहते हो आपकी चॉइस है मैं रट्टे के फेवर में हूं नहीं थोड़ा मेरे को अगर सपोर्ट करोगे और अपने दिमाग पे जो डालोगे थोड़ा सा मेरे साथ आ जाओ इस जगह पे डेल्टा एचवी किसमें था बच्चे परमोल तो यहां तुमने ऑलरेडी क्या लिखा हुआ मोलिकुलर वेट तो ये जो डेल्टा एचवी लिखी किसके लिए लिखी थी मान लो पानी है थोड़ा सोच समझ के जवाब देना डेल्टा एचवी जो लिखा था परमोल तो अठारह ग्राम वोटर के लिए लिखा था आपने

चलो नीचे में बात कर लेते हैं कौन कौन सो रहा भाई हाथ खड़े करो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया मतलब कोई नहीं सो रहा ओए सिमरन ने हाथ खड़ा कर दिया सोने के मामले में ओ सिमरन मैंने कहा कौन कौन सो रहा हाथ खड़े करो सिमरन ने हाथ खड़ा कर दिया <laughs> अच्छा मैंने कहा जो जो सोरे हाथ खड़े करो हाँ जी पहला क्वेश्चन ये तीनों गिवन हुएंगे और डेल्टा भी पूछ लेगा क्लियर फिर कभी कभी आपसे डेल्टा टीबी को भी डिफाइन करवा लेगा तो बीपी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ द सॉल्वेंट क्लियर है तो अगर ये कैलकुलेट हो गया आपसे सोल्यूशन का पूछवा लेगा सोलवेंट का दिया जैसे पानी का दिया तो सौ डिग्री है थ्री सेवन थ्री निकल आएगा फिर क्लियर और कभी कभी मोलिकुलर वेट ऑफ द दोल्यूट भी कैलकुलेट करवा लेगा वो तुम स्मार्ट हो कैसे डेल्टा टी टीबी क्लियर डेल्टा टी टीबी आई के केबीएम था ना आई केबी एम एम इज क्या हो गया डेल्टा टी टीबी आई केबी और ये मोलैलिटी निकलेगी और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब मोलैलिटी का फॉर्मूला जानते हैं मोलैलिटी क्या होता है भाई मास बाय मोलिकुलर मास और यहां मास ऑफ सोलवेंट इन के जी लेकिन ऐसे क्वेश्चन पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता क्लियर सिंपल है कि अगर वो डेटा देगा तो हम आई सोल्व कर देंगे मतलब इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है वैरायटी नहीं है की ना सीधे सीधे क्वेश्चन हिट करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है इस पे। कोई ज्यादा धानसू टाइप की वैरायटी नहीं मिलती है और एक क्वेश्चन सीधे केबी पूछवा ले आपसे तो केबी मैंने बताई दिया टी बी एम आर टी बी होल स्क्वायर डेल्टा यहां पर वन थाउजेंड डेल्टा एच वी उसमें हल्का ट्विस्ट था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे कि पर ग्राम दे रखा हो तो एम उठ जाएगा और पर मोल दे रखा हो तो ये दोनों पर मोली ही डिफाइंड है हाँ जी अगर इन दोनों को मर्च कर दें पहले वाले कोलिगेटिव को और दूसरे वाले कोलिगेटिव को तो मेरे साथ टिके रहना और बात को सुनना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक लाइन में हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीनोट माइनस पी एस अपॉन पीनोट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा सॉरी इनवर्सली टू देशर डायरेक्टली टू डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बीपी अगर आपसे पूछ ले पॉइंट वन एम पॉइंट वन एम पॉइंट वन एम पॉइंट वन एम मोलालिटी सेम मोलालिटी सेम यहां यूरिया यहां पे आपको पुट कर दिया के सी एल यहाँ के टू एस ओ फोर यहां उसने के थ्री एफिशियन सिक्स के एक्व सोल्यूशंस हैं सबके बीपी का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है और सब बच्चे बात करने वाले और स्मार्ट हैं बीपी का ऑर्डर हां जी डी सी बी ए डन किसी को ऑब्जेक्शन हो मैं फिर कह रहा हूं आपसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना अगर किसी को लग रहा है इसमें डाउट है तो सीधे सीधे बात कर लो बच्चे जिसका भी आई का वैल्यू क्योंकि तो मोलैलिटी सेम है फॉर्मुला क्या था डेल्टा टी बी आई के बी एम अगर एक्वा सोल्यूशन के बी सब का सेम पॉइंट वन पॉइंट वन तो एम सबका सेम तो सारी कहानी किससे कंट्रोल हो गई रिमोट कंट्रोल कौन बन गया आई पहले वाले का आई वन ही है दूसरे वाले का आई हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन मानते हुए इसका थ्री है और इसका आई हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन मानते हुए फोर है तो जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका बीबी ज्यादा महक मैका डाउट था ना हाँ जी बोलो बच्चे अब मैं इसी क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव वन ग्राम वन ग्राम वन ग्राम वन ग्राम वन ग्राम यहां मैंने यूरिया पुट कर लिया यहां मैंने ग्लूकोज लिख दिया यहां मैंने सुक्रोज लिख दिया आपकी हेल्प के लिए इनके मोलिकुलर वेट लिख रहा हूं ये ब्रैकेट में इनकी एज नहीं है मोलिकुलर वेट है क्लियर यहां के सी एल सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव और यहां एन एस सी एल क्लियर यहां आपको लिख कर दिया फिफ्टी एट पॉइंट फाइव सबके एक्व सोल्यूशन हैं सबके बीपी का ऑर्डर बताना है हे महान जनता हाँ बोलो 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 हाँ जी आ, थ्री आ, मतलब मैं पाँच पहले लिखूँ एक एक बच्चा पहले बोल रहा था ना उसको पूरा आंसर करने दो थ्री टू फोर वन फाइव हाँ अब बोलना बच्चे गुरुमन बोल रहा था हाँ? और कोई है इसके अलावा आंसर बनाने वाला अब देखो डेल्टा टी बी बीपी के डायरेक्टली है यह हमें पता है इसका आई सेम चल रहा है एक ही है के भी के भी सबके कट गए क्योंकि सबके एक्वा सोल्यूशन है <AshELLE> ये वन ग्राम ये ग्राम और अब इसका मोलिकुलर वेट इसका वन ग्राम इसका, इसका वन ग्राम इसका मोलिकुलर वेट थ्री फोर्टी टू ये वन ग्राम बट आई का वैल्यू दो मोलिकुलर वेट सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ये वन ग्राम बट आई का वैल्यू टू और 58.5 अब सबसे लीस्ट क्या है पहले तो इसको सोल्व कर ले ये कितना हो गया भी? 2 अपॉन 76 मान के चले तो 38 और 38 36.75 हो गया आई थिंक ना या 37. पॉइंट टू ना और ये हो गया आपके पास अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है पांच नंबर तो इसका मतलब यह आंसर तो गलत हो गया जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ा वैल्यू है तो उसका बीपी सबसे ज्यादा हो गया सबसे कम वैल्यू कौन सी है वन बाय तो ये कट गए दोनों तो ये पीछे पीछे आ गया अब तक ये आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है अब उसके बाद वन बाय ट्वेंटी से ऊपर वन बाई कम वन बाय थर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव हाँ बिल्कुल ठीक है फोर अभी तक आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू वन बाय सिक्सटी ये भी ठीक चल रहा है उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू वन बाय वन एट्टी और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है ये ये परफेक्ट आंसर है कुछ बात समझ में आई भाई कि वन मोलल देने में और वन ग्राम देने में कितना बड़ा ट्विस्ट बन गया क्वेश्चन के अंदर बस ऐसे क्वेश्चन से लड़ाई करनी पड़ती है और इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है बच्चे सॉल्यूशन में कौन सा रॉकेट साइंस है बस हम कोशिश ही नहीं करते लड़ाई करने की ना लड़ेंगे तो जीत हमारी होनी है फिक्स है ये तो लिखा गया ये तो चलो जी आगे बढ़े अब अगला फोकस और अगला टारगेट तीसरी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूं अच्छा एक बात पूछ लिया इसमें कोई डाउट है किसी को वापस करवाना है किसी ने चलो जी थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ध्यान से सुनना और समझना फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात हो रही है लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो एक एक बात को नंबर वन मुझे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देनी है तो मैंने बड़ा सिंपल सा बात बोल दी है वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलिड स्टेट पानी है तो पानी से जो आइस बनेगी जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो उसको आप क्या बोल दोगे फ्रीजिंग पॉइंट दूसरी बात मुझे ग्राफिकली जाना है तो यहां वेपर प्रेशर है टेम्परेचर है यह मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा इधर कौन सी फो, फोम एग्जिस्ट कर रही होगी वेपर इधर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट और इधर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होगी सोलिड टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर ही आएगा ना बच्चे पीछे जाओगे तो सोलिड होएगा अब एक मेरे पास सोलवेंट है दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है एक मेरे पास सोलवेंट है दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है एक मेरे पास सोलवेंट है दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा ही होता है अभी पीछे भी पढ़ा था हमने तो वापिस रिपीट हो रही है कहानी सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा ही होता है रिपीट हो रही है बात जैसे ही सोलवेंट का वेपर प्रेशर उसके उसके सोलिड के बराबर हुआ भाई साहब जम गए जम गए मतलब फ्रीज हो गए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका आ गया ये सोलवेंट का नोट लिख रहा हूं इसको मैं एफ पी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट नॉट सोलवेंट का और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया था सोल्यूशन में एनवीएस मिक्स है ना बच्चे सोलवेंट सेम प्लस एनवीएस क्लियर इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो पानी का जीरो है तो नमक डलने के बाद पानी का माइनस पांच डिग्री है पानी का अगर जीरो डिग्री है तो नमक डलने के बाद पानी का माइनस पांच डिग्री है तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोल दिया आपने सोल्यूशन तो कलेक्टिवली डेल्टा टी एफ डिप्रेशन डाउन जाना किसका डाउन जाना फ्रीजिंग पॉइंट का क्या करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन उससे उल्टा हो गया ना बच्चे तभी फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को आप लोग पॉजिटिव में इंडिकेट कर पाओगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है ना ये वाला सोल्यूशन वाला कम है ना क्यों कम है भाई सीधी सी बात है जब एलिवेशन पे गए तो बढ़ गया और डिप्रेशन पे आए तो घट गया क्योंकि जिसमें भी नमक गुला होगा उसका बीपी बढ़ जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डाउन चला जाएगा ग्राफिकली भी प्रूव हो रहा है ये अब इसके बाद कलेक्शन होगा लेकिन इसमें तुम थोड़ा जल्दी सीख जाओगे डेल्टा एक एक पीछे ना एक एक वर्ड मिस कर गया था मैं वो जो के बी बताया था ना बच्चे आपको के इसको एक वर्ड और लिख लेना के बी इज ऑल्सोन एज इबोपी कॉन्स्टेंट ये एक वर्ड मिस कर गया मैं कई बार बच्चे क्वेश्चन करने लगे उनके इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट आपको ये क्या नई चीज आ गई इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इबिलोस्कोपिक यू डबल एल आई ओ एस सी ओ पी आई सी इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट सो गए क्या चलो अच्छी बात है सोना भी नहीं चाहिए जो सोता है वो खोता है पंजाबी वाला खोता नहीं <laughs> जो सोता है वो खोता है मतलब लूज करता है जो सोता है वो खोता है वो पंजाबी वाला खोता नहीं है है ना <laughs> वो हिंदी वाला खोता है मतलब हिंदी में लूज करता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम सारी बातें तुम्हें पता है आई को ना तो टाइम नहीं खराब करते हम डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है आई हमारे पास वेंटो फैक्टर है एफ हमारे पास कौन है अभी बताया था उसको फिर लिख लेते हैं इसको बोलेंगे मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट जैसे इबलोस्कोपिक था ना वैसे इसका नाम है क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इबलोस्कोपी की जगह पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक एम के बारे में सारे बच्चे ही गए मोलैलिटी थर्मोडाइनेमिकली के बी की जैसे के एफ को भी डिफाइन किया हुआ के एफ को भी क्या एम आर टी एफ होल स्क्वायर वन थाउजेंड डेल्टा एच फ्यूजन फ्यूजन क्लियर कलेक्टिवली लिखना हो इसको लेटेंट के फॉर्म में और मेरे ख्याल में सब टर्म्स का मतलब भी तुम्हें पता होएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट है आर गैस कांस्टेंट है टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट इन कैलविन है डेल्टा एच फ्यूजन डेल्टा फ़्यूजन, डेल्टा फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन जो है डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो आपके पास कोई सोलिड जब लिक्विड में बदले तो उस टाइप की हीट है पर मोल और यहां आती क्या बन गई पर ग्राम वो पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं बोलो जी सोलवेंट फिक्स के एफ फिक्स बस जिसको ये पता था बात उसने इसको रिपीट कर लिया और मैं तो अब इसको फिर एक्सप्लोर करने वाला हूं फर्दर इसको फिर एक्सप्लोर करने वाला हूं फर्दर ध्यान से सुन लेना इन्हीं क्वेश्चन को वापस कर सकते हो आप यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने लिख रखा अगर आप लिखते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट एक्स ए वी पी डेल्टा टी बी अब नई बात लिख रहा हूं डेल्टा टी एफ और यहां लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट अगर मेरे से कोई पूछेगा पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन ये सारा के सारा पीछे वाले पेज को किसी ने लिखना है क्या तो मैं उस पेज पे वापस चलूं चलूं उस पेज पे मैं चलो जी अब बच्चे देखो सबके पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन एम है आपने कहा जी एम तो कट गया एम तो कट गया, कट गया गया के एफ भी आपसे वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट अगर वो पूछे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां हुआ है साफ सी बात है सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो चौथे वाले में लेकिन डेल्टा टी एफ इनवर्स टू तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो सबसे डाउन डिक्रीज सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकला पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का सोच समझ के बताना हाँ फोर्थ का क्योंकि इस, इस इसका डेल्टा टी एफ बढ़ गया डिप्रेशन बढ़ गया डिप्रेशन ऐसे नहीं बढ़ता डिप्रेशन ऐसे बढ़ता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला गया इसका तो फोर्थ वाले का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है मान लो ऐसे सोचते हैं ना कि जिसमें यूरिया था वो जमा माइनस एक पे तो केसिल वाला जमा माइनस तीन पे और के वाला जमा फ्रीज हुआ माइनस पांच पे और के थ्री वाला फ्रीज हुआ माइनस सात पे ऐसे समझोगे गया बोलो भाई हे hey, महान जनता क्या आप इन बातों को समझ गए हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है और गिने चुने से क्वेश्चन है बच्चे इसी में से घूम फिर के घूम आते जाने और जो मैंने यहाँ आई लिखा वो हट भी सकता आ भी सकता आ भी सकता हट भी सकता है हट भी सकता आ भी सकता है डिपेंड कर रहा है ग्लूकोज्रोज सुक्रोज लाइक को यूरिया वगैरह तो हट जाएगा के सी एल एन ए सी एल टाइप से कुछ है तो आ जाएगा एसिडिक acid तो आ जाएगा और आई की वैल्यू जब तक हंड्रेड परसेंटोसिएशन एसोसिएशन है तो वो उतना ही चलता है जितने आयंस दिखते हैं अदरवाइज अब नॉर्मल मोलिकुलर वेट की बात मैं आपसे करने वाला हूं वो करूंगा अभी पहले इस पे हा या ना में जवाब दो इसके बाद में थोड़ा थियरिटिकल पोर्शन है वो थोड़ा जल्दी हो जाए तो मैं आपको ना सिनॉप्सिस पे लेके जा रहा हूँ उसके लिए ना हमारा सॉल्यूशन का सिनॉप्सिस लेकिन पैरेलल में नोट्स बनेंगे उसके आप चाहो तो उसको साथ साथ में लिखते रहना अगर आप लिखते हो तो पहले इस पर ना में जवाब दो चलो जी जलोची पढ़ रहे हम लोग पक्का वेरी गुड वैसे इस टाइप के क्वेश्चन टाइम अभी अपने पास है और वो कवरेज मिल जाएगी इलेवन ट्वेंटी नाइन हुए है ना एक दो क्वेश्चन भी कर ले ये क्वेश्चन करना बेटा ये वाला क्वेश्चन करना ये वाला वेपर प्रेशर और वोटर पहले सोल्यूशन मत पढ़ना वेपर प्रेशर और वोटर थोड़ा और इसको मैंने जूम कर दिया है प्रेशर ऑफ वोटर एट टू नाइन सिक्स एट एम एम ऑफ एच जी पॉइंट ग्लूकोज इन सेवेंटी एट ऑफ़ रिजल्टेंट है तो क्या आप क्वेश्चन पे दिमाग लगा पाओगे <laughs> ये फिल इन ब्लैंक्स कंप्लीट करवा दो मैं समझ लूंगा तुम्हें क्वेश्चन आता है पी नोट का वैल्यू ठीक है जी और पीएस का वैल्यू पता लगाना है नहीं स्मॉल एन का वैल्यू बच्चे ये वाला ना ये वाला ये वाला ठीक है और कैपिटल एन का वैल्यू हम्म एटीन वोटर है ना बच्चे ठीक है जी तो इसके मोल निकाल लोगे अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा नाइन पॉइंट नाइन आ जाएगा ये क्योंकि तो वन एट्टी से वन पॉइंट एटी कम है ना ये तो पी नोट माइनस पीएस कर लो अपॉन पी एस कर लू स्म बाय कैपिटल एन कर लो पी नोट उन्नीस पॉइंट आठ है पीएस निकालना है पीएस निकालना है ऊपर पॉइंट वन नीचे पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन बोलो भी बोलो या तुम वो एज यूजल जो जनरली फॉर्मूला यूज करते हो वो यूज करना है आपने तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट स्मॉल एन एन प्लस कैपिटल एन गेरा वो जिसको जो ठीक लगे आंसर तो सेम ही आना है तुम बोलते बोलते ना हेबरनेशन में चले जाते हो मुझे लगता है समझ में आ गई बात सारी यही बस इस क्वेश्चन को रीड कर लो फिर बस अपने दिमाग को सेटअप पे डाल लो कि यार ये मुझे आता है बस ऐसा कुछ ना एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं कर लूंगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ लो पहले क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए और लगा लेना आधा मिनट एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब पी नोट दे रखा है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग पॉइंट फाइव ग्राम इज एडेड टू थर्टी नाइन ग्राम ऑफ बेंजीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज तो क्या क्या दे रखा है कुछ समझ में आ रहा है पी नोट पी क्लियर और मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस तो इसको मैं पी लिख दूं जिससे हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाए पॉइंट पांच ग्राम है मोलिकुलर वेट इसका पता नहीं लेकिन दूसरा वाला सेवेंटी एट है मोलिकुलर वेट उसका पता है ये फॉर्मूला समझ में आया आपको जो अल्टरनेटिव मेथड था बच्चे उससे थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट निकल आएगा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी क्लियर तो पहला वाला पॉइंट एट फाइव जीरो था दूसरा पॉइंट एट फोर फाइव है अगला वाला फिर पॉइंट एट फोर फाइव है यहां गलती मत कर देना क्लियर और मोलिकुलर वेट अनोन है और ये आपके पास क्या हो जाएगा सेवनटी एट बाय थर्टी क्या था सेवनटी एट और थर्टी नाइन थर्टी नाइन ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ये टू हो गया ना बच्चे या वन बाई टू ये हो गया पक्का मुझे लग रहा है, ये वन बाय टू आएगा इसको लिखा रहें दो और ये रिवर्स हो गया एक ही चीज अनु ने अब इस क्वेश्चन को देखकर हमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं और फॉर्मूला कौन सा लगेगा कैलकुलेशन तो हम जब मेन फील्ड में होएंगे तो होती रहेगी अब इस क्वेश्चन को रीड करो फिर सोचो कि इस क्वेश्चन पे अप्रोच बन रही है कि नहीं बन रही है देखो भाई No one is interested. तो फिर मैं ओसमो से शुरू करूं हो जाएगा ना 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है एक किलो पानी में घोल तो तो सीधे निकल आया एटीन बाई वन एटी वन तो पॉइंट वन हो गया बच्चे ये ठीक है ना अब कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल्स तो इसका मतलब ये आपसे सॉल्यूशन का बीपी पूछ रहा है क्लियर और केबी दे रखा है तो डेल्टा टीबी पानी का तो सो ही होता है ना बच्चे ऐड कर देना जो डेल्टा टी बी आएगा डेल्टा टीबी बराबर बताया था ना बच्चे बीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ द सोलवेंट सोलवेंट का सो डिग्री है ये निकल आएगा अभी थोड़ी देर में ये क्या लिख दिया ग्लूकोज था तो आई वन है आई मत भूला करो नहीं तो बाद में पंगा डालेगा आपके दिमाग में ये पॉइंट वन है के uh, भी लिख दे सबसे पहले 0.52 है और वो 0.1 है तो ये हो गया 0.052 सो so में ऐड कर दो तो इसको सीधा-सीधा नया वाला बीपी निकल आएगा क्लियर ये देखो जी इसने इसको 373 उसने कहा वो, वो पानी इतने भी उबलता है तो उसमें 0.052 ऐड कर दिया ये ये गलती की है शायद इसने ना यहाँ पे ये लिखने में गलती की है तो इसमें ऐड करते नया वाला बीपी आ गया ठीक है चलो अब एक छोटी सी बात आपसे और करनी थी इसमें ध्यान से सुन लो ये वही उसी पेज पर लिखना चाहिए था हमें चलो कोई नहीं मैं यहां लिख देता हूं ध्यान से सुनना ये जो आपके पास आ, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की कहानी पढ़ रहे थे ना बच्चे हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में रीड कर रहे थे इसके एप्लीकेशन की बात करनी है ये थियरिटिकल क्वेश्चन है चांस बनते हैं कई कई बार ना कई कई बार इसके चांस बनेंगे तो पहला है आपके पास एंटी वैसे जनरली हम बच्चों को बोलते हैं कि एक बार इसको रीड कर लेना बच्चे कर लेते हैं वैसे एंटी फॉर्मेशन बारहवीं अपियर को नहीं बोल पाते हम लोग बारहवीं पास को हम बोल देते हैं जनरली कि पढ़ लेना एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने आपने तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन में आप समझो कि अगर आप थर्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम Glycol, जिसका मोलिकुलर वेट 62 है ठीक है जी जिसका मोलिकुलर वेट सिक्सटी तो आपको पता है इथाइलिन है डेल्टा टी एफ का वैल्यू 17.6 डिग्री तक अब आप जो कहना चाहता हूं उसको दिमाग लगाना हिल स्टेशन पे जाओ हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओ ले लद्दाख में आजकल टेम्परेचर चल रहा है माइनस चालीस डिग्री पचास डिग्री ऐसे ऐसे टेम्परेचर पे अगर आप अपना फोर व्हीलर फोर व्हीकल लेके जाना चाहते हो तो वहां एक्चुअल में रेडिएटर के अंदर ना पानी घूमते घूमते फ्रीज कर जाएगा तो उसके अंदर आपको ना इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के ले जाना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा एंटीवीज एंटी फ्रीज बनाने में हेल्प करेगा और मैंने आपको क्या कहा अगर कहीं हिल स्टेशन पे माइनस दस डिग्री है तो आपके पास थर्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल बेस्ट है क्योंकि डेल्टा टीएफ को कहां तक ले आता है डेल्टा टीएफ को सत्रह पॉइंट छह डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया पानी के अकॉर्डिंगली फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया माइनस सत्रह पॉइंट छह डिग्री तो दूसरी बात दूसरी बात अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो देखो बच्चे जब भी विंटर्स में ना आप में से कुछ बच्चे हिमाचल से भी होंगे क्लियर इन दिनों में आसपास में बर्फ देख रहे हो गए स्नोफॉल देख रहे हो ना तो वहां अगर आप देखो तो सड़कों पे ना सोल्ट स्प्रेड करते हैं तो मैंने अभी क्या कहा आपसे जैसी आइस में सोल्ट मिक्स किया तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे चला जाएगा अब जो मैं कह रहा हूं कि मान लो एटमोस्फरिक टेम्परेचर वो मान लो माइनस पांच डिग्री है और इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस दस डिग्री है सोल्ट में आइस आइस में सोल्ट मिक्स करते ही अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा हो गया तो ये आइस इजीली क्या करने लगेगी मेल्ट एक बार फिर सुन लो तभी सड़कों पे ना अगर स्नो है बर्फ बिखरी हुई है चल नहीं पा रहे ढंग से तो क्या करते हैं सर्दियों के सीजन में ना जब स्नोफॉल होना हो तो ये सोल्ट स्प्रेड कर देते हैं कोई कैल्शियम क्लोराइड कोई नमक इस टाइप का तो सोल्ट आइस में मिक्स होते ही उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन ले जाएगा और बाहर का टेम्परेचर माइनस पांच डिग्री है जबकि खुद मिक्सर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस माइनस दस डिग्री हो गया तो एटमोस्फिर टेम्परेचर ज्यादा हो गया अब ज्यादा टेम्परेचर पे ये वाली मिक्सर क्या हो जाएगा मेल्ट कर जाएगा यू समझो ना आइस जीरो डिग्री पे मेल्ट करती है और हमारे यहां दस डिग्री हो तो आइस मेल्ट कर जाएगी आराम से एटमोस्फिर ज्यादा हो और आइस का जीरो डिग्री अब इसको, इसको, इसको ऐसे सोचो सोल्ट में आइस मिक्स कर दी सोल्ट में आइस उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया एटमोस्फिर टेम्परेचर माइनस पांच डिग्री है तो एटमोस्फिर टेम्परेचर से ज्यादा की वैल्यू होने एटमोस्फिर ज्यादा वैल्यू होने से वो जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे क्या करेगा मेल्ट करना शुरू कर देगा इसीलिए स्नो मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स क्यों करते हैं उसको मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग ऑफ द आइस किस लिए सोल्ट मिक्स करके इस फिनोमिन को प्रोसीड करते हैं और तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन रास्ट मेथड सुनो भी ध्यान से एक्चुअल में होता क्या है जिनके मोलिकुलर वेट हाई हैं सोल्यूट्स विच हैव द हाई मोलिकुलर वेट ऐसे सोल्यूट जिनके मोलिकुलर वेट हाई हैं दो सोल्यूट विच द हाई मोलिकुलर वेट ऐसे सोल्यूट जिनके मोलिकुलर वेट हाई है उनका फ्रीजिंग पॉइंट का मेजरमेंट वेरी डिफिकल्ट हो गया तो हमने एक तरीका लगाया डेल्टा टीएफ के एफ एम हमने ऐसा सोलवेंट ले लिया जिसका केएफ क्या हो हाई हो अगर किसी का के एफ हाई होएगा, अगर किसी का के एफ हाई होएगा अगर किसी का के एफ हाई होएगा तो हाई मोलिकुलर वेट के साथ वो कंपनचेट हो जाएगा कैसे और समझ लो डेल्टा टी ए बराबर के एफ बराबर क्या, हो, क्या होता है डिवाइडेड क्या होता है मोलिकुलर वेट यहाँ क्या लिखते हो बच्चे सोलवेंट इसमें लिखते हो के जी में और जिसपे मेरा फोकस था ये ज़्यादा हो चुका है तो इसके मेजरमेंट में दिक्कत आ रही थी तो इसको कंपनशेट करने के लिए आपने क्या बढ़ा दिया ये तो बढ़ा हुआ था इसको भी बढ़ा दिया जिससे दोनों कंपनशेट हो जाएंगे और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल शायद आपके टीचर ने आपको बारहवीं क्लास में बताया होगा दैट इज नोन एज कैम्फर कैम्फर का नाम सुना है बच्चे तो ये तीन आपके पास यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं। किसके एप्लीकेशंस हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के एंटी फ्री सोल्यूशन बनाना सोल्ट प्लस आइस से सोल्ट आइस uh, को मेल्ट करवाना और रास्ट मेथड से हाई मोलिकुलर वेट वालों का हाई मोलिकुलर वेट वालों का आपने फ्रीजिंग पॉइंट एक्यूरेटली मेजर करना है उसका तरीका तो ये आपके नोट्स में आ जाएंगी तीनों बातें फिर लंबी लंबी बातें पढ़नी नहीं पड़ेंगी आपको एक छोटी सी बात और ये क्वेश्चन करके देखो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। बस क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोई बंदा नया आया भी क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ो भाई मास ऑफ सल्यूट दे रखा है मास ऑफ सोलवेंट भी दे रखा है ठीक है ना फिर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है डेल्टा टीएफ और दूसरा क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से के लिए किसमें से सबट्रैक्ट करोगे बताओगे सोलवेंट में से 273 सेवेंटी सॉल्यूशन एक्वा सोल्यूशन या जीरो में से कोई नहीं आया था वो भाग्या मुझे लगता है ना हाँ जी अब थोड़ी सी थियोरिटिकल पार्ट शुरू हो रहा है बच्चे ना प्लीज फोकस बना के रखना अभी तक तो था थोड़ा सा कि हम डिस्कशन करते रहे किसके बारे में कि न्यूमेरिकल ये और वो लास्ट एंड फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है अगर पीछे वालों में थोड़ा कॉन्फिडेंस और एक बात मैं फिर तुमसे कहूंगा यार प्लीज प्लीज आज ना कम से कम दो तीन घंटे एक्स्ट्रा लगा देना क्योंकि फिर तो एक छुट्टी आनी है परसों तुम्हारी फिर टेस्ट आ जाना है हम्म तो थोड़ा सा टाइम लगा देना जिससे तुम्हें दिक्कत कम आए सोल्यूशन चैप्टर पे तुमने मोल कॉन्सेप्ट में मुझे लेवल टू तक ही पहुँचा दिया था कल अब वो किया था नहीं किया था आप ही को पता होगा लो जी ओस्मोसिस शुरू हो रहा है बच्चे पैरेलल में नोट्स बनते रहेंगे उसमें ज्यादा फोकस करना पहली बात ओस्मोसिस में जिस बात की सबसे बड़ी नीड है उसको बोलते हो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है विच परमिट्स विच परमिट्स ओनली सोलबेंट बस इतना नहीं पढ़ना जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बच्चे ऐसा थोड़ी यार अब तुम पीएमटी का पेपर देने जा रहे हो और तुमसे ना सेमी मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पूछ के बैठ गया ऐसे थोड़ी बोलेगा यार सेमी परमिबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जो सोलवेंट को परमिट करे और सोल्यूट को परमिएबल ना होने दे परमिबल मतलब छनने ना दे ठीक है जी सोल्यूट को पार नहीं जाने दे सोल्यूट के पास परमिशन है ही नहीं उस मेम्ब्रेन से छनने की उसके बाद सेमी मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन कर दिया एक है नेचुरल दूसरा आपके पास है आर्टिफिशियल ठीक है जी नेचुरल कौन हुआ वेरी सिंपल आपके आसपास आपको पता है है जो एग क्लियर आजकल तो एग का नाम लेना भी गलत है पहले था कोरोना अब है बर्ड फ्लू क्लियर तो जो एग का कैल्शियम की बिल्कुल इनर लेयर है वो नेचुरल सेमी परमिबल है बाकी आपको समझना क्या है जैसे पिग ब्लैडर लिखा हुआ है क्लियर स्किन अराउंड व्हाइट एग लिखा हुआ है तो स्किन अराउंड द वाइट ऑफ द एग इनफ है और आर्टिफिशियल की बात करोगे अगर आप तो आर्टिफिशियल में ढेरों उसमें से कुछ परफेक्ट और इम्परफेक्ट है जैसे केफोर एफिशियस के सिक्स आर्टिफिशियल तो ढेरों बना लो चाहे क्लियर ना फिल्टर पेपर को जिलेटिन में डुबो दो तो भी बन जाती है लेकिन कुछ परफेक्ट टाइप की होंगी क्लियर परफेक्ट बच्चे नेचुरल टाइप की ना उतनी परफेक्ट नहीं होती है जितनी आर्टिफिशियल को हम परफेक्ट बना लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है कि सेमी परमिबल मेंबरेन का मतलब क्या है सेमी परमिबल मेम्रेन का लिटरल मीन हुआ जो सिर्फ सोलवेंट को परमिट करे और जो सोलवेंट को परमिट करे और सोल्यूशन को परमिट सोल्यूट को परमिट ना करे मेरी गलती क्लियर जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हुआ सी टू एफिसियन सिक्स हुआ ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से भी बन जाएगा आयरन के सिलिकेट से बन जाएगा कोबाल्ट से भी निकल से भी तो अगर किसी को आर्टिफिशियल पे काम करना है वैसे क्वेश्चन बनने के चांस है हाँ मुझे कई बार शक होता है इस पर कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे के फोर एफ सी एन सिक्स फिल्टर पेपर पे इसका मिक्सचर या फेकोनी फेक, आयरन कोबाल्ट निकल के सिलिकेट्स ठीक है जी आयरन कोबाल्ट निकल के सिलिकेट्स या तुम्हारा सेलुलोज क्लियर ये आर्टिफिशियल टाइप के हैं लेकिन ये परफेक्ट होते हैं और परफेक्टली मुझे देखना पड़ेगा तो इसी से बना हुआ सीयू टू एफ ई सी एन होल सिक्स ये एग्जैक्ट परफेक्ट सेमी मेम्ब्रेन है तो बच्चे को अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलने के चांस है तो प्लीज गो फॉर दिस परफेक्ट सेमी मेम्ब्रेन पैरेलल में अगर आप नोट्स बनाते हो तो जो मैं लिख रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहना बच्चे बार बार कह रहा हूं अच्छा जी पहले काम क्या हुआ व्हाट इज सेमी परमिबल मेम्ब्रेन दूसरा काम क्या हुआ टाइप ऑफ द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन तीसरा काम क्या हुएगा डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस डेफिनेशन ऑफ द ओस्मोसिस मेरे साथ टिकना सिंपल स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस समझते हो ना अपने आप क्लियर है स्पोटेनियस मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट सोलवेंट स्पोंटेनियस डेल्टा जी नेगेटिव स्पोंटेनियस मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट फ्रोम हाई थोड़ा सा गलत फ्रॉम लो कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन 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 को अंडरलाइन फ्रॉम लो कॉन्सट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सोल्यूशन को वापिस अंडरलाइन मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्लियर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्रेन ये लिखना मस्ट है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बोलोगे जी उसको Osmosis. उसको क्या बोलना है आपने ओस्मोसिस ओसमोसिस को देखना है अगर तो एक कंटेनर बनाओ उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाओ एक तरफ पानी भर दो दूसरी तरफ शुगर सॉल्यूशन भर दो चीनी गुलियो नमक घुलाओ कुछ भी और डेली लाइफ में ऐसे पचास सो आप देखते हो क्लियर ना अब यहां पानी भरा हुआ है और आपको शायद पता होगा ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस मैंने तो सोलवेंट का ना सोलवेंट का ना सोलवेंट इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है और आपको पता है सोलवेंट उल्टा भी चल रहा है लेकिन आपने देखा चार येलो वाले एरो शुगर सोल्यूशन की तरफ है तो ये नेट है एक्चुअल में पानी दोनों तरफ चलेगा ये बाइ डायरेक्शनल प्रोसेस है सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बाइडक्शनल है बट नेट मूवमेंट जो है ये ये मैंने नेट मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है वट इज द ऑस्मोसिस दोलवेंट का चलना कहां से फ्रोम द लो कॉन्सेंट्रेट पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम थी टू वर्ड्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन किसकी हेल्प से सेमी परमिएबल अपने आप चला हां जी लेकिन तुम्हारे घरों में जो आर लगा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस वहां तुम्हें स्पोन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस उल्टा चलाना होता है वहां मैं इस, इस, इसी डेफिनेशन को रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बना दूं क्या लिखूंगा नॉन स्पोन्टेस प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू द लो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमीएबल सेमीपरबल वहां प्रोसेस चलवाना पड़ता है होता नहीं है क्योंकि तुम्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी निकाल निकाल के उधर फेंकना है जिधर 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 हाई कॉन्सेंट्रेशन की जगह लो कॉन्सेंट्रेशन हो पानी को प्योर बनाना है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या डेफिनेशन समझ में आई या किसी को कोई लगता है नहीं नहीं यार मेरे तो समझ ही नहीं वापस बताओ और मैंने एक लाइन बोली थी बाईल है मैंने उसको बाईड लिख दिया चलो जी आगे बढ़ते हैं अब इसी को शो करने के लिए पेजेस मैन का बहुत है इसीलिए ना थोड़ा सा हमें इसको कंट्रोल करके पढ़ना पड़ेगा सौ परसेंट पढ़ ले, लेकिन फालतू की बातों को छोड़ दें तो अब सीधा सीधा हम किसकी बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बच्चे सुनना ध्यान से लेकिन नोट्स जरूर बनाते रहना अगर पहले बनाते हो तो बीच में छोड़ मत देना ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर टाइम मेरे पास है अभी 17 मिनट्स, तो काफी कुछ कवर कर लेंगे हम लोग क्लियर ओस्मोटिक प्रेशर लिसन केयरफुली नंबर वन ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या पहली बात मैं आपको वापस उसी डायग्राम पे लेके चलता हूं देखते तुम लोग समझ भी जाओगे ये सेमी मेम्ब्रेन है यहां प्योर वोटर है यहां मेरे पास सोल्ट या शुगर सोल्यूशन है नेट मूवमेंट इधर हो रही है नेट 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 मूवमेंट नेट माइग्रेशन माइग्रेशन तो दोनों तरफ हो रही है लेकिन नेट माइग्रेशन इधर हो रही है अब जितना इसमें लेवल 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 बढ़ता जा रहा है अब जो बात मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुन लेना क्लियर मैंने क्या लिखा एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन और मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू स्टॉप द टू स्टॉप द नेट माइग्रेशन ऑफ सोलवेंट इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर इसको पाई से लिखा मैंने इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर सोलवेंट चले जा रहा था 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 आपने रोकना है उसको आपने रोकना है उसको और जितना प्रेशर उसको रोकने के लिए आपने अप्लाई किया बस उसी का नाम तुम लोगों ने क्या कर दिया है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर एक बात और हो सकती है या फिर एक बात और हो सकती है तुम ना इसको चलने दो जब तक ये रुक नहीं जाता और जब प्रोसेस ऑफ द माइग्रेशन बंद हो जाए जब प्रोसेस ऑफ द माइग्रेशन बंद हो जाए तो दोनों के बीच के लेवल का ये जो हाइट का डिफरेंस है मेजर कर लेना तो P बराबर एच लगाकर भी सोल्व कर सकते हो प्रेशर कितना है? अब रोको मत, चलने 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 दो, दो, दो। और जितना सोलवेंट मूव कर जाए उसके बाद प्रोसेस रुक जाए जब दोनों तरफ प्रोसेस रुक जाए मतलब सोलवेंट आना जाना बंद हो जाए इक्विलिब्रियम आ जाए तो दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस नोट कर लेना

मैंने भी ये लाइन लिखी है मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ओपी ये लिखा है बोलो जी किसी को डी के बारे में कंफ्यूजन हो टेंसीटिव सॉल्यूशन है किसी को जी के बारे में कंफ्यूजन हो वो वो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है किसी को एच के बारे में कंफ्यूजन हो तो वो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस है बट ये मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा और रह गया दिमाग से नहीं 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 जो पढ़ा वो सौ परसेंट दिमाग में होना चाहिए तब तो मजा अदरवाइज फायदा है नहीं कोई भी एम टाइम खराब करने का ठीक है जी लो भी अब इसके नमेरिकल्स की बात चलेगी तो मैं नमेरिकल पोर्शन पे जा रहा हूं ध्यान से सुनना पहला नमेरिकल क्या आ सकता है पहला सीधे सीधे कैलकुलेशन आ जाएगी तो वो मैं बताता हूँ पाईजिक्वस्ट टू या पाईवी तुमने वो आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना तो पाईवी जीक्व टू एनआरटी इसी को लिखने का तरीका पाइजिक्वस टू एन बाई वी आर टी और पाइजिक्वज टू क्या आ जाएगा आपके पास सी आर टी अगर थोड़ा सब्जेक्ट को और थोड़ा सा एक्सपेंड करो ना तो यहाँ एक थ्योरम बनती है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरह से आइडियल सोल्यूशन इक्वेशन तो आइडियल सोल्यूशन इक्वेशन ये वाली है और कुछ अच्छी बुक्स आर नहीं लिखती वहां एस लिखती है वो और वैल्यू वही होती है फिर कौन सी वाली 0.0821 0.0831 8.314 आर की वैल्यूज अब पाई कौन सी यूनिट में निकालना है मान लो पाई एटीएम में निकालना है तो आर का वैल्यू 0.0821 और अगर ये आपको बीएआर बार में निकालना है तो 0.0831 अगर आपको ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर अगर आपको ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो इसका वैल्यू एट पॉइंट थ्री तो वन टेंडेस टू पावर सेवन अक्स कैलव इनवर्स मोल इनवर्स सो गए क्या पक्की गल चलो तो एक डिस्कशन ही हुआ फिर मैंने कहा था जो पैरल में नोट्स बन रहे हैं उस पर बस ध्यान देना आपने दुर दुर ध्यान नहीं देना। two, ध्यान से उसने कहा अगर मैं किस को सेमी परमिबल की हेल्प से अलग कर ठीक है जी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी वन है इसकी सी टू है और सी टू वाला ज्यादा है तो आपको पता है प्रेशर किस पे लगाना पड़ेगा सीट पे लगाना पड़ेगा क्योंकि सोलवेंट तो नेट इधर ही चल रहा है दूसरी बार दो सोल्यूशन दोनों को सेमी मेम्ब्रेन से अलग अलग कर दिया अब सोलवेंट किधर चल रहा है सोलवेंट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज्यादा सोलवेंट सोल्यूट कम है तो जिधर ये चलेगा उधर ही तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना बच्चे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जो ये डिफरेंस निकालोगे पहले बता रहा हूं एक्स्ट्रा प्रेशर तो उसकी वैल्यू c2 c1 rt कोई इसको करने में इंटरेस्टेड ना हो तो मैं पूरी पूरी बात बोल सकता हूं इसका ओस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है इसका पाई 2 है तो नेट क्या बन गया पाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अब वैल्यूज पुट 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 करते जाओ आंसर आ जाएगा पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा सी टू आर टी और पाई क्या हो जाएगा सी वन आर टी अब तो समझ में आ गई बात दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लो ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाना है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लो ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाना है कुछ पता चला क्या हो रहा है अब तीसरे नंबर पे जाकर एक छोटा सा डिस्कशन और हुआ वो कह रहा है अगर एक ही सोलवेंट है मैंने कहा बिल्कुल ठीक उसके अंदर कई सारे अगर आपके पास एक ही सोलवेंट है अगर आपके पास एक ही सोलवेंट है उसके अंदर कई टाइप के सोल्यूट्स हैं और उनके मोल से रखे एन वन एन टू एन थ्री मैंने कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं N1 by VRTN, by तो सभी के लिए हमारे पास एग्जैक्टली exactly क्या हो गया pi pi मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि प्लीज क्रैमिंग मत करना इसको थोड़ा सा डोल्टन स्लो पार्शियल प्रेशर पर लेके आओ एक कमरा है उसमें तीन गैसेज है एक कमरा है उसमें तीन गैसेज है ये कमरा है इसमें तीन गैसेज है एक सोल्यूशन है उसमें तीन सोलवेंट सोल्यूट है सॉरी तो यहां टोटल प्रेशर किसके बराबर होएगा? अगर गैसेस नॉन रिएक्टिव है तो सबके पार्शियल प्रेशर्स के सम के, के बराबर तो यहां क्या होएगा? भाई इक्वल टू पाई वन तो डोंट गो फॉर क्रैमिंग डोंट गो फॉर क्रैमिंग नहीं तो नुकसान होएगा। बोलो जी तो ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारा हमने पहले हमने सेमी परमिएबल मेंबरेंट सीखी फिर उसके टाइप सीख लिए और जब सेमी परमिएबल मेंबर के टाइप सीख लिए तो परफेक्ट सीख ली परफेक्ट सीख लिया तो फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ गई जब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आ गई जब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ ली तो फिर हमें सिखाया गया इसके फॉर्मूले क्या है मैं जी सीधा टी दे रखा हो और मोल दे रखे हो वॉल्यूम दे रखा हो तो पाई निकालो पाई पाईवी बराबर सी आर टी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी और जब उसने मुझे दो सोल्यूशन को अलग अलग कर रखा हो सेमी परमियबल मेम्ब्रेन से तो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर मेजर करने के लिए बोलते डिफरेंस मेजर करने के लिए बोलते सी टू माइनस सी वन सी टू माइनस सी वन आर टी और अगर एक ही सोलबेंट में कई सारे सोल्यूट मिक्स हो नॉन रिएक्टिव हो तो मैंने डोल्टन स्लो के बेसिस पे आंसर दे दिया इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला क्वेश्चन ट्वेंटी वन नंबर दिमाग में आना चाहिए बस ना हाँ 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 मैं कर लूंगा या कर लूंगी जो भी है ये देखो सेवन मिनट्स से हैं बच्चे हमारे है पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज है पॉइंट टू वन पाई दे रखा है बच्चे तीन सौ दस केल्विन हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज पर लीटर फॉर एन इंट्रावीनस इंजेक्शन दैट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी एट पॉइंट टू वन मोल टू मास बाय मोलिकुलर मास और जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन तीन सौ दस बोलो भाई चलो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में एक छोटी सी बात और समझनी होती है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बच्चे इस पर पीएमटी बड़ा फोकस करती है इस बात की तरफ क्या जो मैं यहां बोल रहा हूं लेकिन नोट्स में जरूर लिखूंगा इस जगह पर कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना इट इज वेरी यूजफुल मैथड वेरी यूजफुल मैथड वेरी यूजफुल मैथड टू कैलकुलेट द वेरी यूजफुल मेथड टू कैलकुलेट दोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द पोलिमर्स और बायोमोलिक्यूल उसने कहा ऐसा क्यों भाई मैंने कहा भाई देखो जो पाइवीज इक्वल्स टू एनआरटी है पाइवी या पाइज इक्वल टू सी आर टी है वो रूम टेम्परेचर पे भी मेजर हो सकता है और पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जैसे प्रोटीन हो गया पचास डिग्री पे डिस्टोर्ट तो रूम टेम्परेचर आरटी का मतलब है रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट आरटी का मतलब है मेजर्ड एट रूम टेंपरेचर मेजर्ड एट रूम टेंपरेचर और जो कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर पे हो सकती हो डिस्टोर्शन के चांस कम हो डी के चांस कम हो क्लियर और जैसे मान लो तुम एलिवेशन ऑफ बीपी में चले जाओ तो प्रोटीन तो सौ डिग्री पे वैसे डीनेचर हो जाएगा तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स और पोलिमर जिनमें डी नेचर होने के चांस ज्यादा उनका अगर मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है तो आपके लिए बेस्ट टेक्निक है चारों में से चार है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर yes, ठीक है जी और एक और वहां यूज होती है स्मॉल एम और यहां हम यूज करते हैं कैपिटल एम एन बाईवी यूज हुई ना बच्चे सब जगहों पे तीनों के तीनों जगहों पे मोल फ्रैक्शन पहले वाले में 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 का दूसरे वाले वाले छोटा वाला तीसरे थी शुरू हो गई है ध्यान से सुनना। उससे पहले एक छोटी सी बात नोट्स बनाते रहना साथ साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कंपैरिजन आइसोटोनिक जब किन्हीं दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो हाइपर एंड हाइपोटोनिक हाइपर एंड हाइपोटोनिक जिसका ज्यादा वो हाइपर जिसका कम उसको क्या बोल दो हाइपोटोनिक आइसो मतलब सेम होता है ना बच्चे दो सोल्यूशन विच हैव द सिमिलर सेम वैल्यू ऑफ ओसमोटिक प्रेशर्स आइसोटोनिक ऐसे तुमने ओस्मोसिस जिसको तुम अच्छी तरह से पढ़ते और जानते भी हो एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस, कभी सुना एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस के बारे में तुमने कभी सुना पंजाबी में गुड़ खा के मर जावा गुड़ खा के मरा कोई सुना कभी गुड़ खा गया और मर गया बंदा तो फिर क्यों बोलते हैं गुड़ खा के मर जावा गुड़ खा के मर जावा क्या बात है गुड़ खा के मर जावा नहीं पंजाबी जो भी बात बोलते हैं ना सोच समझ के बोलते हैं पंजाबियों ने डिस्कवरी की थी इसकी की और क्या लाइन बोली गुड़ खाके मर जावा मतलब गुड़ इज इस... है क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बच्चे बोल के भाग गया क्या <laughs> बात बनी या तो बोलो तो ढंग से बोलो नहीं तो भागो बस यार बोल के <laughs> ही क्या बात है हरमन क्या कह रहा है बेटा हाँ नहीं नहीं शुगर नहीं पुत्र जब हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन खा लोगे ना तो आपकी बॉडी में जब हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन जाएगा तो फिर क्या होएगा आपकी सेल्सैप बाहर आना शुरू होगा सेल्स के अंदर का लिक्विड बाहर आना शुरू होगा सेल सेप तो उससे सेल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा सेल का कॉन्ट्रेक्शन होएगा तभी उसको क्या बोल दिया हमने गुड़ खा के मर जावा थोड़ बंदों की क्या हाई लेवल की याद मतलब बंदे ने कहा गुड़खा के मर जावा, मतलब इस जावास तो तुम्हें सल्यूट करना चाहिए भाई पंजाबियों को इस बात के लिए एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस क्लियर अब इसी का बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास ना कभी जली पड़ी होगी जैम पड़ा होगा है ना वहां कभी कोई मक्खी मुख् चिपकी होती है आपको चिपक के मर गई नहीं नहीं उसने ना जेल वो जल जली खा ली जैम खा लिया तो उसके बॉडी में ना हाई कंटेंट ऑफ शुगर चला गया और हाई कंटेंट ऑफ शुगर उसको शुगर थोड़ी हो गई उसका एक्सोसमोसिस हो गया सेल से बाहर आ गया और उसकी डेथ हो गई खत्म हो गई वो मर गई तो एक्सोसमोसिस आउटवर्ड फ्लो इससे ऊपर नहीं बात करना बस आउटवर्ड फ्लो हरमन समझ गया बेटा yes. और एंडोसमोसिस मतलब इनवर्ड फ्लो बस ऊपर काम नहीं करना एक्स ओस्मोसिस आउटवर्ड और एंड ओस्मोसिस इनवर्ड फ्लो इनफ मोर देन है जी अब देखो ना जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं ये तुम्हें तो रीडी करना है जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं क्लियर उनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम टिश्यूज के अंदर और इस वजह से नॉर्मल फिट और ये वाला एडेमा बोलते हैं उसको उसका पैर पानी रिटेन करेगा उसके अंदर जो ज्यादा नमक खाएंगे जो ज्यादा कुरकुरे चिप्स खाएंगे क्लियर है और ऐसी रो मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और धीरे 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 अपना वाटर लूज करेगा एक्सोसमोसिस और अचार बन जाएगा पिकल बन जाएगा एग्जाम्पल्स है ऑस्मोसिस के यूजेज के डेली लाइफ में ऐसी थर्ड नंबर पे है ऐसी थर्ड नंबर पे है थेरी तो बहुत सारी आई है इस बारे में प्लांट की रूट से लेकर टिप तक वोटर का जाना मान के चलते हैं कि इसमें रोल होता है किसका ऑस्मोसिस का मीट को प्रिजर्व कर रहे हो सोल्टिंग एंड फ्रूट किसके अंदर शुगर के अंदर आजकल तो बहुत ज्यादा चलने लगे। क्लियर कोई कीवी है कोई पाइन है कोई इसी टाइप से ब्लूबेरी ब्लैकबेरी ये बेरी वो बरी ढेरों ड्राई फॉर्म में आ रही है शुगर चढ़ी हुई आधे आधा कि लोन पे वन के जी अगर आप लेते हो ना कटेड फू, जो फ्रूट्स है ड्राई वाले तो उस पर आधा किलो शुगर होती है आधा किलो फ्रूट्स होते हैं आधा से ज्यादा ही होगी तो सब सारे प्रिजर्व किए हुए हैं किसकी वजह से शुगर की वजह से और ज्यादा सोल्ट पे बैक्टीरिया भी जल्दी अटैक नहीं करता है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल हमें इससे मतलब है तो हो गया सबका और वो श्रिंक कर गए पानी लूज कर गए अपना और देखा होगा सब्जी वाले दिन भर पानी छिड़कते रहते हैं सब्जियों पर तो so, पानी अंदर जाता रहता है और फ्रेश बनी रहती है ऐसी एग्जाम्पल ये भी है अ पर्सन सफरिंग विद हाई बीपी इज एडवाइट टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द कॉमन सोल्ट नहीं तो क्या होएगा सोल्ट इनटेक अगर उसका ज्यादा हाई है तो किडनी उसको कंट्रोल कर नहीं पाएगी जितना करना है उतना ही करना है उसने ज्यादा खाओगे तो कंट्रोल क... वो वो कहां चला जाएगा ब्लड में चला जाएगा ब्लड में, में चला गया तो ब्लड में पानी घुलेगा फिर जाकर क्लियर ड्यू टू दिस इंटेक ऑफ वॉटर इज ब्लड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज जिससे ब्लड प्रेशर और बढ़ गया इसलिए उनको कहा जाता है नमक कम खाओ जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ब्लड प्रेशर है पानी घुल गया पानी अंदर एंट्री कर गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है और जिनको कभी देखा होगा ड्रिप लग ड्रिप लगती है ना वो जीरो पॉइंट नाइन वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एन होता है आजकल तो आपको दिखा होगा ना एक कोरोना की वैक्सीन की आजकल आ, मोक ड्रिल चलती रहती है ना तो उसमें करते क्या किसी को स्लाइन वोटर दे देते हैं स्लाइन वोर्टर। स्लाइन वोर्टर जो होता है न, स्लाइन, होता है है ना जीरो पॉइंट पर, वेट बाई वॉल्यूम क्लियर वैक्सीनेशन होता है ना कभी तो उसमें मान लो आप थर्ड फेज के आ, ट्रायल चल रहे हैं तो उसमें फिफ्टी परसेंट लोगों को लगा देते हैं वैक्सीन एक्चुअल वाली फिफ्टी परसेंट लोगों को लगा लेते हैं स्लाइन और वो रैंडम चलता है किसी को भी लग सकता है उस सलाइन में क्या होता है उसका टारगेट है हमें इस मतलब से नहीं है कि किसको वैक्सीनेशन हो रहा है किसको नहीं हो रहा जीरो वेट बाई व्यूम एन एस सी एल है वो आइसोटोनिक विद ब्लड है इट इज आइसोटोनिक जी बोलो बच्चे हा बोलो बेटा नहीं वो एक्चुअल में ना ट्रायल है कि इस, इस मतलब इस हर टाइप का इफेक्ट क्या हुआ हर टाइप का अब जो हरियाणा में लगा था ना तो कुछ लोग कह रहे थे वो जो मंत्री साहब थे उनको सकता है सलाइन लग गया हो लेकिन सोच समझ के नहीं लगता रैंडमली लगता है ये यूज नहीं है बस रैंडमली चेक करते हैं कि किस पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं चीजों के आइसोटोनिक विद ब्लड है ये आइसोटोनिक विद ब्लड है जीरो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एन आइसोटोनिक विद ब्लड है ठीक है जी अब इसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस और फिर हमारा टाइम अब हमारे पास कवरेज चार मिनट ऊपर ले लिए बच्चे हमने ना क्लास फ्री कर रहा हूं फिर मैं ना मुश्किल से अब कल तीस एक मिनट पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को ना